मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास वन। मैं आज आप लोगों को SST में लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले मैंने लेसन 5 तक आप लोगों को फुली कंप्लीट करवा दिया है, जिसका मैंने MCQ का इमेज भी आप लोगों को भेजा था। उम्मीद है आप लोग उसको बुक में भर लिए होंगे। बच्चों, आज मैं लेसन 6 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, माई स्कूल। देखिए बच्चों, ये है लेसन 6, पेज नंबर है 30। माई स्कूल यानी मेरा स्कूल, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है, वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। हम लोग डेली मॉर्निंग यानी सुबह में स्कूल जाते हैं। वी वियर यूनिफॉर्म्स एट स्कूल। हम लोग यूनिफॉर्म्स में स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म्स पहन के स्कूल जाते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर स्कूल। आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसे मैंने एक दो कॉलम मैंने भर लिया, बाकी आप लोगों को खुद से भरना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज चिल्ड्रेंस हैप्पी होम, है ना। आई स्टडी इन क्लास वन, ये दो चीज़ तो मैं भर सकती हूँ। फिर माई क्लास टीचर्स नेम इज, आपके क्लास टीचर का जो नेम होगा वो लिख देंगे। आई सीट नेक्स्ट टू, आप किसके नज़दीक बैठते हैं स्कूल में। बच्चों, अभी तो स्कूल बंद है, आप लोगों को अपने क्लास टीचर का भी नाम नहीं मालूम होगा और कहाँ बैठना है, ये सभी नहीं मालूम होगा। इस कॉलम को आप लोग नहीं भरिएगा, हमको पता है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बता दिया इस ढंग से ये भरा जाएगा। आगे अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 31 में। व्हाट वी लर्न, हम लोग वहाँ क्या पढ़ते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स एट स्कूल, हम लोग बहुत तरह की चीज़ों को स्कूल में पढ़ते हैं या जानते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट, हम लोग लिखना और पढ़ना सीखते हैं। वी लर्न ड्राइंग एंड पेंटिंग, हम लोग ड्राइंग करना भी सीखते हैं और पेंटिंग यानी रंग भरना भी सीखते हैं। वी लर्न म्यूजिक एंड डांस, हम लोग म्यूजिक भी सीखते हैं, गाना भी सीखते हैं और डांस भी सीखते हैं। वी लर्न कंप्यूटर्स, और हम लोग कंप्यूटर को भी, कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ते हैं। वी ऑल्सो लर्न मैनी गुड वैल्यूज एट स्कूल, और भी हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी स्कूल में प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रीडिंग है, ये पढ़ रहा है, राइटिंग है, ये लिख रही है, डांसिंग है, ये डांस कर रही है, पेंटिंग है, ये पेंट कर रही है, लर्निंग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहा है, हेल्पिंग अदर्स, और हम लोग दूसरे की हेल्प भी, सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं। लुक एट राहुल्स क्लास रूम, फाइंड दिस थिंग्स इन द क्लास रूम, ये राहुल का क्लास रूम है बच्चों, और उसके क्लास रूम में ये सब थिंग्स है जो बताया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड्स, देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड्स है, डेस्क है यानी जिस पर हम लोग रख के लिखते हैं, चेयर्स यानी जिस पर हमारी टीचर बैठती हैं, चेयर यानी कुर्सी, बुक्स है जो टीचर हम लोगों को बुक से पढ़ा रही हैं, कंप्यूटर्स है, यहाँ देखिए कंप्यूटर रखा हुआ है, डस्टबिन है, यहाँ साइड में डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं। अब लेसन पेज नंबर 32 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल प्लेस इन ए स्कूल, अलग अलग जगह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्कूल में। देखिए, लुक एट सम स्पेशल प्लेस इन राहुल्स स्कूल, राहुल्स के स्कूल में और भी बहुत स्पेशल महत्वपूर्ण जगह है जो हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल्स रूम्स, ये है हम लोगों के प्रधानाध्यापक का ऑफिस, जो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सर का ऑफिस। मीट द प्रिंसिपल हियर, यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल सर से मिल सकते हैं। द चिल्ड्रेन लर्न हाउ टू यूज कंप्यूटर हियर, ये लैब है बच्चों, जहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लैब लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टाफ रूम, दिस रूम इज फॉर द टीचर्स, यह स्टाफ रूम जो होता है शिक्षकों के लिए होता है, हमारे टीचर्स के लिए होता है। यहाँ पर सारे टीचर एक जगह बैठते हैं, लंच करते हैं, खाली पीरियड में बैठ के अपना जो कॉपी चेक करना वगैरह करते हैं, ये हुआ स्टाफ रूम। प्लेग्राउंड यानी खेलने का मैदान। चिल्ड्रंस प्ले हियर विथ देयर फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। कैंटीन, यहाँ पर बच्चे भोजन करते हैं या लंच करते हैं। दैट स्टूडेंट्स ईट देयर लंच हियर, यहाँ पर बच्चे बैठ के लंच करते हैं। म्यूजिक रूम, द चिल्ड्रेन लर्न टू सिंग हियर, यहाँ पर बच्चे गाना गाते हैं। स्कूल क्लिनिक, इफ ए स्टूडेंट गेट्स हर्ट ही और सी इन गिवन मेडिसिन हियर, जब बच्चे को किसी प्रकार की चोट लगती है, बच्चे या बच्चियों को किसी प्रकार की चोट लगती है, तो यहाँ पर उनको मेडिसिन यानी दवाई दिया जाता है। लाइब्रेरी, द रूम हैज मेनी बुक्स, लाइब्रेरी यानी जिसको हम लोग पुस्तकालय के नाम से भी जानते हैं। दिस रूम ही हैज मेनी बुक्स, यहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। दिस इज द क्वाइटेस्ट रूम इन द स्कूल, यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण रहता है जहाँ पर बच्चे बैठ के लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हैं। इस तरह से बच्चों, मैंने आज आपको पेज नंबर
30 से लेके 32 तक माई स्कूल पढ़ाया। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका MCQs भेजूंगी बच्चों। और यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ है कीवर्ड्स, लाइब्रेरी, ए प्लेस वेयर वन कैन गो टू रीड बुक्स, वो जगह जहाँ पर हम लोग जाके किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, क्वाइट विदाउट नॉइज, यानी वहाँ पर किसी भी तरह का हल्ला नहीं होना चाहिए, क्विक बिट्स, वी गो टू स्कूल टू लर्न मेनी थिंग्स, हम लोग स्कूल बहुत सारी चीज़ों को सीखने जाते हैं, आवर टीचर टीच अस एट स्कूल, हमारे टीचर हम लोगों को पढ़ाते हैं स्कूल में, वी सीट एंड स्टडी इन द क्लास रूम, हम लोग बैठ कर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं क्लास रूम में, वी ओबे एंड रेस्पेक्ट आवर टीचर, हम लोग अपने शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। इस तरह से बच्चों आज मैंने आप लोगों को पेज नंबर 32 लेसन 6 माई स्कूल पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का इसका इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs का इमेज भेजूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।